हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेंचर बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है, इसमें हम देखने वाले वोबल हाइपोथेसिस के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। अगर हम यहाँ पे वोबल हाइपोथेसिस के बारे में समझने की कोशिश करें तो ये किससे रिलेटेड होती है? ट्रांसलेशन प्रोसेस से रिलेटेड होती है। हमें पता, अगर हम एक डीएनए की बात करें तो डीएनए से किसकी सिंथेसिस होती है? आरएनए की सिंथेसिस होती है। और आरएनए से किसकी सिंथेसिस होती है? प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। वी ऑल नो दैट। तो जब ये आरएनए से प्रोटीन बनता है ना, इस वाले स्टेप को बोला जाता है ट्रांसलेशन स्टेप। यही ट्रांसलेशन स्टेप पे वोबल हाइपोथेसिस की बात आती है। जब हम अपने एमआरएनए को देखते हैं तो हमें पता है हमारा जो एमआरएनए होता है 5' से 3' होता है, और उस एमआरएनए पे प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। जैसे कि मैंने बोला, इस एमआरएनए में प्रेजेंट है समझो AUGCCU, इस तरीके से इस पे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। तो यहां पर जो 3 न्यूक्लियोटाइड है वो एक दूसरे के साथ आएंगे, कंबाइन होंगे, और कंबाइन होकर हम इनको क्या बोलेंगे? कोडोन। यहां पर कितने न्यूक्लियोटाइड साथ में आ रहे हैं? टोटल 3 न्यूक्लियोटाइड साथ में आते हैं, वो मिलके बनाते हैं कोडोन। और ये एक कोडोन रिस्पॉन्सिबल होता है किसी अमाइनो एसिड के लिए। समझो मैंने कहा यहां पर ये रिस्पॉन्सिबल है मिथ्यूनिन अमाइनो एसिड के लिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक सी बात है जो आप सभी को पता होगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं? टोटल 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। और अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास 4 न्यूक्लियोटाइड है तो वो कितने टाइप के कोडोन बना पाएंगे? तो ये देखने के लिए हम इसकी पावर कहाँ पे रेज कर देंगे? 3 कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोडोन बनाता है। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, टोटल यहाँ पे कितने कोडोन बनते हैं? 64 कोडोन बनते हैं। लेकिन इन 64 कोडोन में से जो 3 कोडोन होते हैं ना, वो स्टॉप कोडोन होते हैं। भाई अगर ट्रांसलेशन प्रोसेस चल रहा है तो उसको रोकना भी तो पड़ेगा ना, और उसको रोकने के लिए कोडोन चाहिए होते, तो 3 यहाँ पे वो वाले होते हैं, तो वो किसी अमाइनो एसिड को बनाते नहीं है। तो टोटल 61 कोडोन प्रेजेंट होते हैं एमआरएनए पे, जो कि क्या बना सकते हैं? जो कि टोटल हमारे 20 अमाइनो एसिड्स को बना सकते हैं। जो कि कितने अमाइनो एसिड को बना सकते हैं? टोटल 20 अमाइनो एसिड को बना सकते हैं। अब अगर आपको पता होगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस में एक और चीज का बहुत बड़ा रोल आता है, टीआरएनए। ये जो होता है, ये होता है एमआरएनए, दैट इज मैसेंजर आरएनए। इसी के साथ साथ एक और चीज होती है जिसको अभी मैंने क्या बोला, टीआरएनए। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इस तरीके से इसे टीआरएनए का स्ट्रक्चर होता है। अगर हम बिल्कुल इसका बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाए तो इस तरीके से कुछ टीआरएनए का स्ट्रक्चर होता है। टीआरएनए के स्ट्रक्चर में यहाँ पे 5' होता है और यहाँ पे 3' होता है। ये जो टीआरएनए होता है, यहाँ पे उसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पर उसके पास प्रेजेंट होते हैं एंटीकोडोन। ये जो एंटीकोडोन है, किसके साथ पेयर करते हैं? हमारे एमआरएनए के साथ पेयर करते हैं। एमआरएनए में भी किसके साथ पेयर करेंगे? टू बी स्पेसिफिक, कोडोन के साथ या किस पेयर करते हैं। तो जैसे कि अगर समझो मैंने यहाँ पे कहा है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? AUG प्रेजेंट है। तो AUG को पढ़ने के लिए जो एंटीकोडोन आएगा वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि अगर हम देखें, A के लिए होता है U, U के लिए होता है A और G के लिए होता है C। अगर आपको पता होगा, यहाँ पर वॉटसन क्रिक का आता है, पेयरिंग आती है यहाँ पर। अगर हम देखें स्टैंडर्ड पेयरिंग, तो उसमें A जो है वो U के साथ पेयर करता है, C जो है वो G के साथ पेयरिंग करता है। तो ये दोनों यहाँ पे क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ पेयरिंग करते हैं। ये स्टैंडर्ड पेयरिंग कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड पेयरिंग। ये होती है स्टैंडर्ड पेयरिंग। तो यहां पर ऐसा ही मैंने आपको दिखाया है। पर अगर आप यहां पे देखोगे, इस तरफ 5' है, तो टीआरएनए का 5' इधर है, और इस तरफ इसका क्या है? 3' है। ये ध्यान से देखना। और इस तरफ एमआरएनए का इस तरफ 5' है, और इसका 3' इधर है। तो यहां पर अगर मैं यहां पे देखूं तो सी इसका क्या हो गया? सी यहां पे हो गया फर्स्ट एंटीकोडोन। 3' वाला जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो फर्स्ट होगा, सॉरी 5' वाला जो होगा वो फर्स्ट होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 5' पे ए है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया फर्स्ट कोडोन। कोडोन इज प्रेजेंट ऑन दी एमआरएनए, एंटीकोडोन इज प्रेजेंट ऑन दी टीआरएनए। ये सारी बेसिक चीज हमें समझ में आ गई। अब अगर हम यहाँ पे फंडे की बात करें, तो यहाँ पर हो क्या रहा है? अगर आपके पास यहाँ पर 61 कोडोन प्रेजेंट है, तो आपको उसके लिए टोटल 61 टीआरएनए भी चाहिए होंगे। आपको यहाँ पे कितने टीआरएनए चाहिए? एक सेल में, एक बॉडी में आपको 61 टीआरएनए चाहिए होंगे इन सभी 61 कोडोन्स को पहचानने के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर दिक्कत यह है कि अगर आप मोस्ट ऑर्गेनिजम्स को देखोगे ना, तो मोस्ट ऑर्गेनिजम्स के पास सिर्फ और सिर्फ 45 टीआरएनए ही प्रेजेंट होता है इस फंक्शन करने के लिए, ये वाला फंक्शन करने के लिए। या फिर किसी किसी के पास तो 65 से भी कम टीआरएनए होते हैं। अगर किसी के पास 65 टीआरएनए से भी कम टीआरएनए, तो वो कैसे इन 20 अमाइनो एसिड्स को बना पाता है, और कैसे इन 61 कोडोन्स को पहचान पाता है? तो इसके लिए यहां पर आया था एक हाइपोथेसिस, जो कि रखी गई थी 1966 में फ्रांसिस क्रिक के द्वारा।
फ्रांसिस क्रिक ने यहाँ पर एक हाइपोथेसिस रखी थी 1966 में, जिसको बोलते हैं वॉबल हाइपोथेसिस। वॉबल हाइपोथेसिस इन्होंने इसमें क्या बात किया था, इन्होंने इसमें नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग की बात की थी। कहने का क्या मतलब है, समझो अगर मैं यहाँ पर ए यू जी को कंसीडर करती हूँ, तो ए यू जी के यहाँ पे 5 प्राइम है, यहाँ पे 3 प्राइम है। इसका जो फर्स्ट और सेकेंड न्यूक्लियोटाइड है, इस कोडोन का जो फर्स्ट और सेकेंड न्यूक्लियोटाइड है, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, स्पेसिफिसिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि ये जो है ये पक्का का पक्का, ये दोनों तो है वो दिखाएंगे स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग, दीज बोथ विल शो स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग। लेकिन यहां पर ये जो जी है, यानी कि ये जो थर्ड न्यूक्लियोटाइड है, कोडोन का जो थर्ड न्यूक्लियोटाइड है, वो यहां पे क्या शो कर सकता है, वो यहां पे नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग भी शो कर सकता है। किसके साथ नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग शो करेगा, हमारे एंटीकोडोन के साथ। कहने का क्या मतलब है, जैसे मैंने कहा यहां पर यू ए सी है फॉर एग्जाम्पल, और यहां पर हमने कहा ए यू जी है फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, तो यहां पर 5 प्राइम है, यहां पर 3 प्राइम है, यहां पर 5 प्राइम है, यहां पर 3 प्राइम है। ये वाला है एंटीकोडोन और ये वाला जो यहां पर प्रेजेंट है ये है कोडोन। तो यहां पर क्या होगा, ये वाला जो आपको दिख रहा है ना जी और सी, ये तो नॉर्मल है, स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग है, लेकिन ये क्या शो कर सकता है, ये नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग भी शो कर सकते हैं, ऑल्सो दे कैन शो दैट टू। जैसे कि समझो अगर मैंने यहां पर सी नहीं लिखा, समझो मैंने यहां पे सी नहीं लिखा और सी की जगह अगर मैंने यहां पे यू लिख दिया, तो यू तो नॉर्मली जी के साथ पेयर नहीं करता, मैंने यहां पर देखा था यहां पर, लेकिन यहां पर तो U आ गया और U जो है वो G के साथ पेयरिंग कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो ये क्या हो गई, ये नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग हो गई ना। दिस इज व्हाट, दिस इज नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग। तो नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग में ऐसे नहीं है कि सारे न्यूक्लियोटाइड ही पार्ट लेते हैं, कौन कौन से लेते हैं आइए हम देखते हैं। समझो मैंने इस तरीके से बना दिया, यहां पर मैंने लिखा एंटीकोडोन और यहां पर मैंने लिखा कोडोन, ठीक है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एंटीकोडोन कौन से, फर्स्ट एंटीकोडोन की यानी कि इस वाले की, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं थर्ड कोडोन की यानी कि इसकी। अगर समझो यहाँ पर एंटीकोडोन में क्या प्रेजेंट है, अगर यहाँ पर एंटीकोडोन पे मैंने कहा ए प्रेजेंट है, तो कोडोन यहाँ पे यू होगा, तो कोडोन यहाँ पे क्या होगा, यू होगा, दिस इज नॉर्मल। अगर मैंने यहाँ पे कहा सी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, जी प्रेजेंट होगा, यहां तक सब नॉर्मल है। लेकिन अगर एंटीकोडोन पे प्रेजेंट है यू, तो कोडोन पे ए तो होता ही है नॉर्मली, लेकिन उसके साथ साथ यहां पर जी भी हो जाए, जी भी हो सकता है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज वोबल हाइपोथेसिस या फिर वोबल पेयरिंग। ऐसे अगर हम यहाँ पे जी लें, तो इसके साथ यहाँ पे क्या आ सकता है, यहां पर नॉर्मली सी तो आता ही है, लेकिन सी के साथ साथ यहाँ पे और क्या आ सकता है, यहां पर यू भी आ सकता है। और इसके अलावा यहां पर एक और एडिशन होता है, वो होता है आई का। आई का मतलब यहां पर क्या होता है, आइनोसिन। अगर यहां पर आइनोसिन आया, तो वो किसके साथ पेयरिंग कर सकता है, आइनोसिन यहाँ पर सी के साथ भी कर सकता है, यू के साथ भी कर सकता है, और उसी के साथ साथ ए के साथ भी कर सकता है, जी के साथ नहीं कर सकता, सी के साथ कर सकता है, यू के साथ कर सकता है और ए के साथ कर सकता है, इन तीनों के साथ यहाँ पे बेस पेयरिंग कर सकता है। आइनोसिन क्या होता है, आइनोसिन यहाँ पर होता है इस तरीके से, अगर आपको पता होगा यहाँ पे ऐसे शुगर प्रेजेंट होती है, शुगर के ऊपर यहाँ पे 5 प्राइम पे फॉस्फेट प्रेजेंट होता है और इसके 1 प्राइम कार्बन पे एक वो प्रेजेंट होता है नाइट्रोजनस बेस। यहां पर जो नाइट्रोजनस बेस होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोजेंथीन। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है जिसमें नाइट्रोजनस बेस हाइपोजेंथीन है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइनोसिन बोलते हैं। तो इस तरीके से यहां पर ये पेयरिंग होती है। लेकिन अब ये पेयरिंग को यूज कैसे किया जाता है, कैसे यहां पर डिटरमाइन किया जाता है, तो समझो अगर मैं यहां पर एक एग्जाम्पल लूं ल्यूसिन अमाइनो एसिड का। अगर हम देखें बहुत सारे अमाइनो एसिड्स ऐसे कोडोन से होते हैं जो कि लगभग सेम कोडोन होते हैं। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर ये सी यू यू से कोड होता है, ये सी यू ए से कोड होता है, ये सी यू सी से कोड होता है। अगर मैं देखूं ये 5 प्राइम से 3 प्राइम है, ये भी 5 प्राइम से 3 प्राइम है, ये भी 5 प्राइम से 3 प्राइम है। तो अगर आप दोनों की फर्स्ट लोकेशन देखो, फर्स्ट टू लोकेशन देखो, वो सेम है, सी यू सी यू सी यू, लेकिन इनके जो थर्ड है उसमें ए आ रहा है, यू आ रहा है और सी आ रहा है, और इन तीनों के साथ, यू के साथ भी, ए के साथ भी और सी के साथ भी, इन तीनों के साथ कौन पेयर हो सकता है, इन तीनों के साथ ही पेयर हो सकता है आई, यहां पे आप देख सकते हो। तो यानी कि यहां पर हम बोल सकते हैं कि एक ही टीआरएनए आया और एक ही टीआरएनए को सेम अमाइनो एसिड लेकर आना है, उसको अमाइनो एसिड कौन सा लेकर आना है, उसको यहां पर लेकर आना है ल्यूसिन। लेकिन ये पहचान किसको सकता है, अगर हम यहाँ पे देखें, ये सी यू यू को भी पहचान पाएगा, ये सी यू ए को भी पहचान पाएगा और ये सी यू सी को भी पहचान पाएगा।
तीनों को पहचान पाएगा, यहां पर इसके पास होगा क्या, यहाँ पे इसके पास होगा आई, यहाँ पर इसके पास होगा ए और यहाँ पे इसके पास होगा जी। जी और ए तो नॉर्मल ही है, वो तो स्टैंडर्ड ही दिखा रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ आई अलग आ चुका है। सो दिस वॉज अ एग्जाम्पल जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि किस तरीके से चलती है। जैसे हमने ल्यूसिन के केस में देख लिया, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो जो पहले दो न्यूक्लियोटाइड है वो स्पेसिफिसिटी के लिए है, और जो थर्ड न्यूक्लियोटाइड है उसको यहाँ पे चेंज कर दिया गया, लेकिन टीआरएनए सेम ही आ रहा है क्योंकि उसको सेम अमाइनो एसिड लेकर आना है ल्यूसिन। तो यहाँ पर उसके पास क्या हो सकता है, यहाँ पे उसके पास लास्ट में एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हो सकता है जो कि इन तीनों को पहचान सके। तो इस तरीके से यहाँ पे वोबल हाइपोथेसिस चलती है। तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे कम टीआरएनए चाहिए होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि सेम उससे कोड होते हैं, सेम न्यूक्लियोटाइड से कोड होते हैं, सिर्फ उसमें जो लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड है वो चेंज हो रहा होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अमाइनो एसिड सेम टीआरएनए से कोड हो सकते हैं अगर वो वोबल हाइपोथेसिस के साथ जाए।